रायसेन के ऐतिहासिक मेले का समापन हो गया है। इस समापन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रायसेन प्रदेश का पहला ऐसा नगर है जहां पर साल में दो बार रावण के पुतले को जलाने की प्रथा है। दरअसल रायसेन में दशहरे के बाद यहां लगने वाला वार्षिक रामलीला मेला में रामलीले के मैदानी मंच के तहत रावण वध के बाद दशहरे की ही तरह 35 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाता है। पिछले 100 साल से आयोजित होने वाले प्रसिद्ध रामलीला मेले को एक महीने बाद रावण का दहन कर समाप्त किया जाता है। इस अवसर पर रावण दहन के बाद शानदार आतिशबाजी हुई। रामलीला मेले के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। न्यूज लाइव MP के लिए रायसेन से अजय गोहेल की रिपोर्ट। आज तो क्या आपने पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से रामलीला की जाएगी? नहीं देखिए, ऐसा है कि हर जगह रामलीला का आयोजन जिस तरीके से होता है और परंपरागत तरीके से हम लोग कर रहे हैं, और जहां रामलीला के हर शहरों में जहां भी रामलीला ग्राउंड हैं उनके के लिए भी नगरीय प्रशासन विभाग ने और कमलनाथ जी की सरकार ने तय किया है कि सबको इसको बढ़ावा देंगे। और रायसेन में तो हर साल हम लोग बड़े धूमधाम के साथ में रामलीला मनाते हैं। देने के लिए कुछ प्रयास रामलीला समिति है, जिस तरीके से यहाँ अगर जो भी आवश्यकताएँ होंगी उनके सबका सहयोग करें। थैंक यू। ठीक है। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। www.